गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में 18 दिनों से दिव्यांगजन घिसटकर 35 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और वे इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि इस प्रदर्शन से आमजन एवं प्रशासन को परेशानी ना हो, इसलिए दिव्यांगजनों ने अपनी यात्रा का मार्ग परिवर्तित कर दिया है। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा को शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गुना कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुँचना था, लेकिन आमजन एवं प्रशासन की परेशानी को देखते हुए दिव्यांगों ने अपनी यात्रा का मार्ग बदल दिया। दिव्यांग मुख्य सड़क से होते हुए गुना कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़े, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। स्थिति को देखते हुए दिव्यांगजनों ने अपनी यात्रा के मार्ग को परिवर्तित कर दिया। दिव्यांगजनों का कहना है कि वे प्रशासन एवं आमजन की सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। दिव्यांगों की यात्रा से यातायात प्रभावित न हो और जन सामान्य को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए आज दिव्यांगों ने अपनी यात्रा को शहर के जयस्तंभ चौराहे से प्रारंभ किया एवं सदर बाजार से होते हुए हार्ट रोड की ओर निकले और यात्रा को हनुमान चौराहे से सर्किट हाउस अपने पड़ाव तक पहुंचाया। हनुमान चौराहे पर दिव्यांगजनों ने मध्य प्रदेश सरकार की दिव्यांगों के प्रति दमनकारी नीतियों के विरोध में सामूहिक मुंडन भी करवाया। दिव्यांगजनों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों की उपेक्षा कर रही है, दिव्यांगों पर आंशिक रूप से हिंसा कर रही है। अरे तुमने किया था वादा हमसे, देश को भूल न जाना, जीवन की ये पिया बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज आपने मुंडन कराकर विरोध जताया है जी, बताएं आपकी ये दिव्यांग यात्रा में कब से कब निकल रही थी जी, क्या क्या मांगे हैं? मंडन किया गया है, क्या मांगे? 28 फरवरी चल रही है, आज 18वां दिन, आज 18वां दिन है, 28 फरवरी से चल रही थी, आज 18वां दिन है हमारा। और कल हम 19वें दिन में मुख्यमंत्री नाम माननीय कलेक्टर महोदय ज्ञापन है। आज मुंडन क्यों कराया गया? सरकार किसी बहाने कैसे ही सुने हमारी पुकार, कैसे ही सुने, किसी प्रकार सुनने ही तैयार नहीं है, तो कुछ न कुछ तो अभी तो बाल से शुरुआत वही है, आगे तो देखो ना कुछ क्या होगा और आगे कब तक और जारी रही है। अभी तो हमें कलेक्टर कल समापन कर रहा है इसका, और आगे भोपाल की तैयारी कर रहा है।